वहीं मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मसूरी में अंग्रेजों के समय पर स्थापित लंडौर बाजार की हालत बेहद खराब हो गई है। वहीं लंडौर बाजार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन सर्वे ऑफ इंडिया की करीब 33.5 एकड़ भूमि है जो पिछले 25 सालों से खाली पड़ी हुई है, जिसमें एक खेल का मैदान है जहाँ विद्यालय, कॉलेज या फिर रोजगार के लिए इंस्टीट्यूट खोले जाएं और लंडौर बाजार को हेरिटेज बाजार के रूप में विकसित किया जाए। और किन किन विषयों पर मोहन पेटवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से चर्चा की, आइए सुनवाते हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के प्रभारी श्रीमान दुष्यंत गौतम जी यहाँ पर आए थे और रात्रि विश्राम उनका यहाँ पर था। अभी उन्होंने एक संगठन की बैठक भी ली, उसी दौरान में भाजपा मसूरी मंडल द्वारा एक ज्ञापन, भारत सरकार से संबंधित चीज़ें हैं उनको जो है हमने उनको एक लिखित में जो है 3 पत्र दिए हैं। एक में जो हमारा लंडौर बाजार है, जो आप मानते हैं कि पुराना जो मसूरी था वही हमारा लंडौर बाजार था और आज स्थिति यह है कि लंडौर बाजार की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ पर जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो पार्टीज रहती थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के स्वामित्व में है, वहाँ पर जो है लंबे 25 सालों से वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर लगभग 33.5 एकड़ लैंड है, वहाँ पर एक बड़ा खेल का मैदान है, वहाँ पर जो है 24 के आसपास कोठियाँ हैं, 60 के आसपास फ्लैट हैं जो लगभग 25 सालों से जो है खाली पड़े हैं। तो हमने इसमें निवेदन किया है कि माननीय प्रभारी महोदय इसमें जो है जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं SNT के, उनसे वार्ता करके कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालेंगे। मुझे लगता है कि उसका समाधान निकलेगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे विद्यालय खुल जाए या कोई भी इंस्टीट्यूट वहाँ पर आ जाए, जिससे कि वो इंस्टीट्यूट से जो है यहाँ लोकल में जो है रोजगार भी उत्पन्न होगा और साथ ही साथ जो लंडौर की जो आज दशा है वो भी सुधरेगी। वहाँ पर सैकड़ों लोगों की जो है आजीविका आज जो है खतरे में है।